उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 26 अगस्त को मेरठ आ रहे हैं। वो यहाँ पर योजनाओं को लेकर मंडली समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ। इसके अलावा वो कई सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करने वाले हैं। वो पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे और उनके आने की खुशी में अधिकारियों को ये याद आया है कि शहर में कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह सुबह से कूड़े उठाए जा रहे हैं, शहर की सड़कें साफ की जा रही हैं। इसके अलावा मेरठ के सर्किट हाउस में जहां मैं खड़ा हूं, वहां भी यही अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री 5 घंटे के दौरे में करीब 45 मिनट यहां गुजारने वाले हैं और उसके लिए सर्किट हाउस की पूरी बिल्डिंग को वाइट वॉश किया जा रहा है। अंदर का जो इंटीरियर है उसको भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। लेकिन केवल यहीं आकर कहानी ख़त्म नहीं होती, सड़कें भी चमकाई जा रही हैं। आप यहाँ देखिए सर्किट हाउस का जो रोड है अंदर जाने वाला, वहाँ पर सड़क किनारे की जो पट्टी है उसको कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ, वॉशिंग पाउडर और केमिकल के इस्तेमाल के साथ मजदूरों से उस पट्टी को चमकाया जा रहा है। मकसद केवल यही है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आएँ तो उनको सब साफ सुथरा दिखाई दे। भाई साहब कब आएंगे मुख्यमंत्री कल सुबह? टाइम तो नहीं पता लेकिन कल का पता है। आप लोग कब से लगे हैं इस काम में? हम दोपहर से लग रहे हैं। क्या केवल इसी को चमकाना या सड़क को भी बाद में चमकाना? नहीं, फिलहाल तो इसी का काम है, दोनों तरफ की पट्टियों का, दोनों तरफ का वाइट बेट चमकाना है ये। अच्छा, ये दिख तो रहा था ना वैसे? हाँ जी, गंदगी थी, अब इससे केमिकल से सर्फ डाल के इसकी सफाई हो रही है। मुख्यमंत्री खुश हो जाएंगे? अब देखो खुश हो गए नहीं हो गए, हमारा जो काम हम ये कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये काम जो है वो चल रहा है और केवल एक साइड में ही नहीं, दूसरी साइड में भी यही काम चल रहा है। आप पूरी पट्टी को देखते हुए आएंगे तो आप देखेंगे कि करीब आधा दर्जन मजदूर यहाँ पर लगे हैं और आधा दर्जन मजदूर वहाँ पर लगे हैं। मकसद केवल ये है कि सड़क के किनारे की दोनों साइड की जो पट्टी है वो चमक जाए, जिससे मुख्यमंत्री को ये दिखे कि सड़क एकदम चकाचक है। शहर की बहुत सारी सड़कें हैं जहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं और अब उनको भी साफ़ सुथरा किया जा रहा है। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री को जाना है वहाँ ये सब हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जो शहर के इलाके हैं वहाँ की स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। शहर को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन उस हकीकत जो है वो इस एरिया से थोड़ा बाहर जाकर बड़ी कड़वी दिखती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार।